गुरु शिष्य के बीच जो रिश्ता होता है उसमें शिष्य को क्या लगता है एक एक समय तक सीखने के बाद कि वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा सीख रहा है, या उसको ये लगता है कि चूंकि मेरे गुरु बिरजू महाराज जी हैं या मेरे गुरु एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं, बहुत धनी आदमी हैं, बहुत गुणी आदमी हैं, इस वजह से मैं अच्छा सीख रही हूँ। तो क्या फर्क क्या है इन दोनों चीज़ों में? रिश्ता किस तरह का होता है? क्या चीज़ दिमाग में चलती है? गुरु जी ने तो आज तक कभी नहीं कहा कि तुम अच्छा कर रही हो और तुम अच्छी शिष्या हो। ये अब महाराज जी बल्कि और बच्चों को पैम्पर करते हैं। हम लोग तरसते थे और आज भी हम लोग तरसते हैं कि महाराज जी शायद अभी रिसेंटली, मतलब पूरी ज़िंदगी मैं तो कह रही हूँ 37-47 साल से हम उनके पास हैं। शुरू में उन्होंने ज़रूर कहा था कि तुम क्यों डरती हो, हमने देखा है रेवा दीदी के अंडर में जब तुम नाचती थी एकाध छोटे मोटे बच्चों के प्रोग्राम में, तभी से हमारे दिमाग में था कि ये लड़की आगे जाएगी, मंगालन है इनके खून में भी होता है, तो तुमको हम सिखाएंगे और तुम अच्छी बनोगी। वो तो शुरू में बोला था, उसके बाद से तो शायद महाराज जी ने हजारों लाखों के प्रोग्राम में शायद 2 या 3 बार ऐसे ही सरसरी, आज का प्रोग्राम तुम्हारा ठीक था, विच वॉज लाइक मोर देन एनी अवार्ड फॉर मी। अभी भी रिसेंटली एक हैबिटेट में प्रोग्राम हुआ था, शायरों के ऊपर कुछ किया था। मैंने महाराज जी तो मदद करते ही हर चीज़ पर, सामने बैठे, वो जब सामने बैठे होते हैं तो खुशी भी उतनी होती है, घबराहट भी उतनी होती है, क्योंकि 1001 गलतियाँ भी निकाल लेंगे। तो वो उस दिन बोले थे, ये 2-3 महीने पहले, नहीं आज तुम ठीक दिख भी रही थी, ठीक से ऊपर कोई बात नहीं, अच्छा का तो कोई सवाल नहीं, और तुमने ठीक किया आज, अच्छा लगा। तो इससे बड़ा, मेरी माँ भी ऐसी थी, बहुत क्रिटिकल थी, पर ये हमारे लिए आशीर्वाद है। पर मैंने ज़रूर महसूस किया, जो आपने कहा बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, मैंने ज़रूर महसूस किया था पहले ही वो 2-3 महीने के अंदर कि ऐसा गुरु शायद बड़े मुश्किल से मिलता। और अब उस टाइम तो फिर भी बुद्धू थे हम, अब तो ये लगता है कि मतलब ये ईश्वर का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि ऐसे गुरु हमें मिले। कितने लोगों को ये मौका मिलता है कि महाराज जी के साथ इतने वर्षों तक, और हर रोज़, आप विश्वास नहीं करेंगे, यह अतियोक्ति नहीं है, मैं अभी लंदन भी गई थी, महाराज जी लिवरपूल में काम कर रहे थे और मैं लंदन में, एवरी डे ऑफ हिज लाइफ वी लर्न फ्रॉम हिम, चाहे वो टेक्निक में सीख रहे हैं, अभिनय में सीख रहे हैं, उनकी बातचीत से, उनकी एक एक अंग की, हम भी तो सिखाते हैं। आज 30 साल से मैं भी सिखाई रही हूँ, 40 साल से विदेशों में ट्रैवल कर रही हूँ महाराज जी के साथ भी, अपने आप भी, पर फिर भी महाराज जी को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो लगता है नहीं, ये एक और तरीका है बच्चों को। और अभी भी हम कलाश्रम, महाराज जी की संस्था है जिसमें मैं मुख्य एक टीचर हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ, अभी भी इस वर्ष भी हमने नए प्रयोग से, एंड हम लोग सब एज टीचर्स रियलाइज़ करते हैं कि वाह, ये जो महाराज जी ने एक राह दिखाई है, एज एन एक्सपेरिमेंट वी ट्राई इट विद आवर स्टूडेंट्स एंड इट हैज़ प्रूवन सो गुड एवरी टाइम। जो महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी स्वयं भी अभी सीखते रहते हैं, क्या सीखते हैं कि कैसे अगले को सिखाएं, कैसे एक आम जनता के अंदर भी नृत्य की जो गहराई है उसको समझाएं, एक साधारण अनाड़ी से अनाड़ी स्टूडेंट के अंदर जो कमी है उसको कैसे, हाउ डू आई ट्रेन माई सेल्फ टू ट्रेन अनदर पर्सन, दिस इज आवर ट्रेनिंग। जो महाराज जी अब भी कहते हैं कि वो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये हम लोग भी हर रोज़ सीखते हैं महाराज जी से, ऐसे गुरु बहुत कम, बहुत मुश्किल से। महाराज जी सत्यजीत दादा के साथ जब काम कर रहे थे हम, तब भी ये हुआ था, संजय बंसाली जी ने भी बहुत सुंदर की, कमल के साथ भी किया, हर जने ने, हर ग्रेट आदमी ने, सत्यजीत दादा तो सदा कहते थे कि शाश्वती रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे, 50 बार महाराज जी वो ठुमरी गा लिए, और फिर महाराज जी के दादा यहाँ जरा एक बार और ले लीजिए, ये जरा कुछ मज़ेदार नहीं हुआ, 40-50 रीटेक्स हो गए। फिर दादा मुझे बोले बंगला में, शाश्वती कखनो वो खुशी हो बिना निजेर काजे, मतलब वो कभी खुश नहीं होंगे अपने काम से, क्योंकि एक जीनियस होता है वो हर वक्त सोचता है कि इससे और शायद और एक कदम, शायद इतना 19
अभी भी कमी रह गई है। तो बोले मेरी भी प्रॉब्लम यही है, मैं अपने काम को ही क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ। सत्यजीत दादा ने मुझे कहा था, बोले वो कभी नहीं सेटिस्फाई होगा, पर मेरी फिल्म रुक जाएगी। हम ऐसा कर, हम लोग सब लोग कहते हैं महाराज जी ये तो गजब का हुआ, उसके बाद तो मेरे ऊपर छोड़, ही लव मी वेरी डियरली, मैं उनके घर की तरह थी। बोले उसमें से जहाँ उन्हें लगेगा मैं एडिट करके द बेस्ट निकालूंगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आज भी महाराज जी हमें जो चीज़ शायद 5 साल पहले सिखाई है, अब वो दूसरी तरह से सिखा रहे हैं। तो हम कभी हंस के कहते हैं महाराज जी हमें तो आपने कुछ और सिखाया था, सेम ठुमरी सेम टुकड़ा, अब आप दूसरा, तो क्या हमारा गलत था या ये कुछ नई बात बन गई। तो बोले कि क्या मैं कुएं का मेंढक बना बैठा रहूँगा, मैं भी तो इवॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी तो सोचता हूँ कि नहीं इसको शायद ये करने से और एक और मज़ा आएगा। रोज़ महाराज जी का हम माखन चोरी देखते हैं, आज मैंने लाखों बार देखा होगा और हर बार कोई ना कोई नई चीज़ दिखती है, बिकॉज ही कीप्स थिंकिंग अबाउट इट, ही इज़ नॉट, वो ऐसे नहीं है कि सीख के सिर्फ कैप्सूल ट्रेनिंग हमने जो सीखी थी, एक तो सिखाई उन्होंने कम था, 9 साल की उम्र में उनके पिताजी गुजर गए, ही इज़ अ सेल्फ मेड जीनियस, सेल्फ मेड आर्टिस्ट, पर अपने आप को भी वो एनरिच करते रहते हैं हर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ। तो ऐसे महान व्यक्ति को तो मैंने एक किताब लिखी है, पर मैंने किताब में यही लिखा है कि किसी की भी कलम उनकी गुण को संपूर्ण नहीं लिख सकता। हम केवल हम अपनी एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, बट नो वन कैन, नो वन सिंगल पर्सन कैन राइट अबाउट हिज मल्टीफैसेट। आपने जैसे कहा कि आपने अपनी शुरुआत जो की कथक की, वो इसलिए की कि घर वालों को लगा कि शाम को खाली रहती है थोड़ी देर, वो जाएगी सीखेगी और कुछ कुछ सीखने को ही मिलेगा। अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती है कथक के सामने, या किसी भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी जो तमाम विधाएं हैं, या नृत्य से जुड़ी जो विधाएं हैं, जो हमारी परंपराओं से जुड़ी विधाएं हैं, कि लोग बस भेज दे रहे हैं अपने बच्चों को कि जाएं और वो सीख लें, कंप्यूटर गेम खेलेंगे इससे अच्छा कथक सीख लें, पार्क में जाके खेलेंगे उससे अच्छा कथक सीख लें। इस ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है, ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, इससे कथक को कैसे बाहर निकाला जाएगा? आखिर कैसे कथक का जो विस्तार है, जो उसका जो प्रचार प्रसार है, वो उस दिशा में जाएगा जहां पर बच्चा संजीदगी के साथ सीखेगा, इस लिहाज से सीखेगा कि उसे बड़ा होकर एक कथक कलाकार बनना है, और उसमें किस तरीके से आप लोग, आप खासतौर पर एक बड़ी संस्था है आपकी, आप लोग किस तरह से उसमें मददगार हैं? बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को सिर्फ पूछने ही के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 3-4 जो हमारे दिल में है, जब हमने कलाश्रम बनाए उसके बाद बड़ी कठिनाई आई, और अब हम महसूस करते हैं और हम लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं कि दिल्ली जैसी भूमि में एक भी डांस फैकल्टी नहीं है। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी बड़ी है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, JNU, जामिया, ये वो, हर चीज़ का है, फिल्म का है, इवन फैशन की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जो कि जबकि फैशन इज़ पेरिस का, फ्रांस का असली विधा, हमारे यहाँ की तो कल्चर जो इंडियन हेरिटेज है उसको संजोड़ने के लिए कितनी दुखदाई बात है कि आज दिल्ली में एक फैकल्टी नहीं है जहाँ इंसान डांस की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च की डिग्री कर सके, जबकि दिल्ली के अलावा और स्टेट्स में है, कोलकाता में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बॉम्बे में है, असम में है, इवन हरियाणा, पंजाब में है, गुजरात में है। तो हम जो महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं वो इसीलिए वो हॉबी क्लास तक की सोचते हैं, क्योंकि उनको आगे का रास्ता नहीं मिलता, स्कूल तक सीख लिया उन्होंने, उसके बाद अगर कोई बहुत जीनियस टैलेंटेड है भी, बहुत पेरेंट्स हैं ऐसी, एक महाराज जी के पास भी एक लड़की है आती है, उसके पेरेंट्स ने कहा था कि हम तो डांस को ही, क्योंकि उसके अंदर हुनर है, एक DPS चलाते हैं हमारे मित्र हैं, उनकी बेटी, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको दिखता है कि मेरी बच्ची डांस में ही वाकई में अच्छी है तो पढ़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बट वेयर डज द चाइल्ड गो आफ्टर फिनिशिंग स्कूल? कोई तो कॉलेज में उसको डांस का कोई सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो वाई डज द गवर्नमेंट नॉट थिंक अबाउट दिस, नंबर वन। नंबर टू, आपकी चैनल, थैंक्स फॉर द मीडिया थ्रू व्हाट, ये आप इसको शायद एक क्लासिसिज्म में लाएंगे आप अपने वेबसाइट को, पर क्यों हमारी दूरदर्शन वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स
पूरे दिन भर में क्यों नहीं क्लासिकल नेशनल प्रोग्राम रात को 11-12 बजे एक आता है, आधे बच्चे सो जाते हैं, आधे लोगों को इंटरेस्ट नहीं, क्यों नहीं एक डीडी भारती में काम अच्छा शुरू किया, बट क्यों ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे भारत की पहचान है, हमारे भारत की धरोहर है, इसको संजो के नहीं. वाई डू दे थिंक ऑलवेज अबाउट कमर्शियल एंड्स? और जगह से पैसा कमाइए. अगर हर जना यही सोचे कि हम अपने काम को सिर्फ पैसे की के साथ आंखेंगे, महाराज जी ने तो कभी नहीं सोचा. जो क्लासिकल से प्यार करता है, और आज हम अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इतने लोग वहाँ के सीखने आते हैं, हमने तो ना उन्होंने सोचा पैसे क्या. हमारे कलाश्रम में अभी भी 500-600 रुपए में महाराज जी से नाच सीख सकते हैं, महीने का फीस है, जो कि महाराज जी रोज़ चले जाते हैं वहाँ से, वो तो पैसे भी नहीं लेते हैं कलाश्रम से. तो वी डोंट वर्क फॉर मनी, वी वर्क बिकॉज वी थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन, क्या एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ डांस एंड म्यूजिक, क्लासिकल रियल, नॉट द पॉपुलर, नॉट द दो दिन का मस्ती वाला, वो क्लब में डांस करने वाला नहीं, जो कि अब वही कल्चर हो गया है, और उस कल्चर को हम प्रमोट भी कर रहे हैं. वो जो 4 दिन का बुलबुला वाला कल्चर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक अपने अपने ढंग से उसकी उसको पसंद भी करता है, चाहता भी, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट वाई नॉट ऑल्सो क्लासिकल, विच इज़ ट्रूली द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बींग, जो वो आत्मा, सोल, माइंड, अपनी जिंदगी को नर्चर करता है. तो ये सब चीज़ें अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा और सोचे, समाज सोचे, तो शायद समाज में भी बहुत अच्छा काम होगा. शाश्वती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. तो ये थी शाश्वती जी, जिनसे हमने बातचीत की कथक के बारे में, कथक के मौजूदा स्वरूप के बारे में, और साथ ही साथ उनकी योजनाओं के बारे में, कि किस तरीके से कथक का प्रचार प्रसार हो, किस तरीके से कथक का और विस्तार हो. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें. इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं. हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे.